अखिलेश जी, सबसे पहला सवाल जो इंडिया अलायंस हुआ है उस पर लगातार सवाल उठाया जा रहा है, और यहाँ तक कहा गया है कि वो इंडियन मुजाहिद भी जो नाम है उसमें भी इंडिया है। प्रधानमंत्री कह रहे नाम में क्या रखा है? हाँ, ये बात तो ठीक कही। अगर ये बीजेपी के बड़े नेता कहें कि नाम में क्या रखा है, तो फिर स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, और फिर हम भारत का झंडा लेकर के, इंडिया का झंडा लेकर के अपना भारत का सम्मान, भारत हमारी किस ऊंचाई तक पहुंच रहा है हम दुनिया को दिखाते हैं, बताते हैं। बीजेपी को घबराहट इस बात की है कि इस बार जनता तय ये करेगी। एक तरफ तो वो लोग दिखाई देंगे जो भारत और भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो जो लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं वो डरे हुए लोग हैं, और डरे हुए लोगों की भाषा बदलती है। जो लोग खिसिया जाते हैं भाषा उनकी बदलती है। जो आज तक नफरत की राजनीति करते आए, और नफरत की राजनीति का कोई एक जगह का उदाहरण मैं दूं, मणिपुर जो जल रहा है वो आरएसएस की विभाजनकारी नीति और भारतीय जनता पार्टी ने वोट की राजनीति जो की, उसकी वजह से आज प्रदेश वो जल रहा है। क्या हम और आप कल्पना कर सकते हैं जिस भारत को हम भारत माँ बोलते हो, धरती माँ बोलते हो, गंगा माँ बोलते हो, यमुना माँ बोलते हो, और माँ का जो स्थान हमारे समाज में सबसे ऊपर है, क्योंकि माँ न केवल हमें जन्म देती है बल्कि माँ हमें आगे बढ़ाने की शिक्षा भी देती है। और सोचिए दो बहनों की, माताओं की जिस तरह से तस्वीर आई, वीडियो आए, क्या कोई आज सभ्य समाज में स्वीकार कर सकता है कि महिलाओं के कपड़े उतार दिए जाएं? इंडिया पर बोलने से पहले और विपक्ष में बोलने से पहले भारतीय जनता पार्टी को अपनी बात, मणिपुर में जिस तरीके से बेटी और माँ को नंगा किया गया और बिना कपड़े के घुमाया गया, उसमें कहनी चाहिए बात। और अगर उसमें बात नहीं कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी कि रणनीति इस तरह का जहर घोल दें कि जिससे कि पूरा का पूरा बंटवारा दिखाई दे वहाँ पर। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। सत्ता के वादों की जमीनी पड़ताल, गरीबों पर कितना मेहरबान सरकार, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर उठ रहे सवाल, विपक्ष का सत्ता परवार, सियासत में आया भूचाल, देखिए कितना बदला प्रदेश।